Bloody Mary, if you are here, give me a signal. Bloody Mary, the scary Bloody Mary, the haunted Bloody Mary, if you are here, then give me a signal. Bloody Mary, अगर आप इधर हो then please मेरे को signal दो. Bloody Mary, I stole your baby. Bloody Mary, I stole your baby. Bloody Mary, oh shit. हेलो गाइस, तो कैसे हो सब? सो वेलकम टू नील एंड सी टू ब्लॉग. सो आज फिर से जाएंगे एक हॉन्टेड प्लेस में, हॉन्टेड चैलेंज करेंगे, वो भी 3 बजे, रात को 3 बजे करेंगे. तो चार्ली चार्ली जहाँ जिस हॉन्टेड प्लेस में किए थे उसी हॉन्टेड प्लेस में जाएंगे, क्योंकि उस दिन मेरे साथ कुछ हुआ था. फिर से हम जाके कोशिश मतलब ट्राई करेंगे कि वो सच फिर से वही चीज होता है कि नहीं, कुछ एक्टिविटी, इसीलिए हम वही हॉन्टेड प्लेस में जाएंगे. कितना टाइम हुआ? 2:46. सो 2:47 हो चुका है, तो ज्यादा टाइम है नहीं 3 बजने में. 2 घंटे सोए हैं आज, इसी वजह से थोड़ा आँख डार्क सर्कल गिर गया. तो जो भी है, तो चलते हैं प्लेस में. और हाँ, आज जो करेंगे जो चैलेंज और होगा ब्लडी मैरी चैलेंज, वो भी 3 बजे. और वो ये जो ब्लडी मैरी का स्टोरी है, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा बहुत देख लो. ब्लडी मैरी का ये जो कहानी है ये 100% रियल है. एंड इस चीज में जिस जिसने भी उनका विरोध किया उसने सबको मार दिया, वो भी कैसे, जिंदा जला दिया. सोच सकते हो कि किसी के अंदर कितना गुस्सा रहने से वो एक आदमी को जिंदा जला सकता है. वो खून से नहाती थी, इंसानों के खून से वो नहाती थी. एंड ये भी माना जाता है कि उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, वो शैतान की पुजारी थी. बहुत सारे तरीके के मतलब रिचुअल्स वो करती थी. जो डॉक्टर्स उनके डिलीवरी करा रहे थे, जो भी उनका डिलीवरी करा रहा था, उन्होंने बोला कि मैरी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे कोई बच्चा था ही नहीं. शी वॉज प्रेग्नेंट फॉर 9 मंथ्स बट डिलीवरी के टाइम पे कोई बच्चा था ही नहीं. शायद उनके बच्चे को शैतान अपनी बलि के लिए ले रहा है. एंड ऐसे उनके बच्चे गायब हो रहे हैं, तो उनको ऐसा ही लगा. वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई. एंड आपको जैसे कि मैंने बोला कि सब कोई सोच रहा था कि वो एक डायन है. एंड हर जगह पे ये तो सब जानते ही थे कि वो खून से नहाती है, शैतान का पूजा करती है. वो हर जगह ब्लडी मैरी नाम से फेमस हो गई. अगर आप मोमबत्ती लेके आईने के सामने खड़े होके 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी कह के बुलाते हो, देन वो आपको आईने में दिखती है. देख लिया ना, डर लगाना. तो अभी यही चीज करेंगे हम हॉन्टेड प्लेस में, वो भी रात के 3 बजे. थोड़ा बहुत फट रहा है क्योंकि उस दिन के बाद थोड़ा घबरा गए थे हम. तो देखते हैं आज क्या होता है. वैसे भी हम गांव का लड़का, ये सब चीजों से डरते नहीं है. वैसे भी हम लोगों का ये सब होता रहता है, तो कोई बात नहीं, आप जा सकते. हम बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, साहसी आदमी है. सो चलो मिलते हैं एकदम लोकेशन पे. A few moments later. So guys, चलते हैं. Shit, 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 shit. I hope आज मेरे साथ सेम चीज ना हो उस दिन जैसा हुआ था. इधर सांपों का डर रहता है, इसीलिए थोड़ा मेरे को संभाल के जाना पड़ता है. And guys, यही जो तालाब है, हम जिस तालाब के बारे में बोले थे, जैसे कि आप देख सकते हो, यही तालाब है जिसमें बॉडी पाया गया था. तो उसके बारे में हम अभी बात नहीं करते क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लगने लगा है अगर ऐसे ज़्यादा बात करेंगे उस बारे में. तो ये जो तालाब है बहुत ही जंगल भरा एरिया है. मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि जस्ट सेकेंड, पता नहीं देख पा रहे कि नहीं, सब कुछ मेरे को लेके जाना पड़ रहा है अकेले, क्योंकि और कोई है नहीं. तो कैमरा पकड़ने के लिए कोई है नहीं, तो मेरे को ट्राईपॉड लेके आना पड़ा. जैसे कि आप देख पा रहे हो, आसमान में चांद है, तो थोड़ा ज़्यादा ही चांद आज खूबसूरत की जगह डरावना लग रहा है. पता नहीं क्यों अमावस्या आकर रात जैसे लग रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रहा है जो दिखाया जाता है फिल्मों में. यानी ये जो जंगल है आप देख पा रहे हो कितना घना जंगल है, ये देखो. सो गाइस ट्राईपॉड यहाँ पर रख दिया है एंड अभी करेंगे
इसी सुनसान जगह पे ब्लडी मैरी का चैलेंज। तो पहले कैमरा इधर सेट कर लेते, उसके बाद मिलते हैं। आईना किधर रख दिया था? नहीं रहा आईना, फोकस 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 ये रहा आईना। तो अभी थोड़ा बहुत डरा हुआ हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले ही वो जो जगह है यहाँ से देख पा रहा हूँ मैं, उधर चाली चाली किए थे, और आज इधर कर रहे हैं ब्लडी मैरी चैलेंज। तो पता नहीं क्या होने वाला है, तो लेट्स सी कि आज कुछ ना हो ऐसा। एंड गाइस अभी 3:01 हो चुका है, तो अभी सही टाइम होगा स्टार्ट करने के लिए, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो आई होप कि आज कुछ ना हो प्लीज़। आपको थोड़ा चारों ओर दिखा देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो लिटरली पूरा सन्नाटा है, पूरा का पूरा एकदम सन्नाटा। एंड लिटरली चाली चाली के बाद थोड़ा ज़्यादा ही डर गए थे मैं, अदरवाइज मेरे को उतना ज़्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि ये सब चीज़ें हम सुनते रहते हैं, क्योंकि गांव में ये सब होता रहता है। अगर आपका गांव में घर है तो आपको पता होगा ये जब भूतिया कांड है ये गांव में ज़्यादातर होता रहता है। हालांकि बहुत लोग यकीन नहीं करते इन सब चीज़ों में, अपने ऊपर है कि आप यकीन करो या ना करो। तो अगर आप गॉड में बिलीव करते हो तो शैतान ज़रूर है, तो जो भी है उन सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। मेरे को मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ ये सब चीज़ें होता है, लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है। मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ पता नहीं क्यों, इसीलिए थोड़ा स्वेटिंग हो रहा है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। मेरा मकसद है ये चैलेंज कंप्लीट करना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को पहले डर नहीं लग रहा था, लेकिन इस जगह आने के बाद थोड़ा नेगेटिव सा वाइब्स आ रहा है, पता नहीं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी नहीं आया। सो ब्लडी मैरी 3 बुलाने से नहीं आया, और कुछ बुलाएंगे, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है 3 बुलाना होता है। अगर नहीं आता है तो फिर बोलना होता है कि आई स्टोल योर बेबी, तब भी नहीं आता है तो फिर शायद 13 बोलना होता है ब्लडी मैरी, उसके बाद आ जाता है ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। देर इज नो ब्लडी मैरी, आ जा मेरी मेरी मामा, मम्मा मेरी। तो कुछ नहीं हुआ, तो देख लेते हैं स्टोल योर बेबी बोल के क्या होता है। ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, ब्लडी मैरी। ओ शिट, ओ गॉड, इधर थोड़ा पानी में कुछ आवाज़ हुआ, मैं डर गया था, शायद क्या बोलते उसको फ्रॉग वगैरह कुछ होगा शायद, इसलिए थोड़ा मैं डर गया था, सॉरी। मैं तो कुछ और ही समझ लिया था, क्योंकि इधर सिर्फ इस चीज़ का भी डर रहता है, तो इसीलिए थोड़ा फट रहा है। सो गाइस अभी तक तो कुछ नहीं हुआ मेरे को, सो कुछ एकदम भी कुछ नहीं हुआ, सो इसीलिए 13 और बोलेंगे ब्लडी मैरी, तो देखते कुछ होता है कि नहीं। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी कुछ आवाज़ हुआ, इसीलिए थोड़ा मेरे को डर लग रहा है। हालांकि इधर पानी है चारों ओर, तो इसीलिए शायद हो सकता है पानी में कुछ उछला होगा, मछली वगैरह या फ्रॉग वगैरह जो भी है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। तो 13 ऑलरेडी बोल चुके हैं, अभी फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो पता नहीं ये चीज़ सच है या झूठ है। और चाली चाली के चाली चाली पेंसिल गेम खेलते वक्त कुछ जो हुआ था वो मेरा बहन था शायद। ब्लडी मैरी अगर आप हो इधर तो थोड़ा मेरे को सिग्नल दो, ब्लडी मैरी अगर आप हो इधर तो मेरे को सिग्नल दो। पता नहीं हिंदी समझ में आएगा कि नहीं ब्लडी मैरी को, क्योंकि वो है विदेशी भूतिया, जैसे कि आपको पता था कि चाली चाली भी विदेशी था, ब्लडी मैरी भी विदेशी है था या थी पता नहीं। तो यही चीज़ इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश मेरा बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं सुन के गुस्सा हो जाए पता नहीं, तो जो भी मैरी मेरे को माफ़ कर देना, मैं इंग्लिश में बोलने जा रहा हूँ, अगर गलती हो गया तो माफ़ करना। ब्लडी मैरी इफ़ यू आर हेयर देन गिव मी ए सिग्नल। एक कॉमेडी कर रहा हूँ या भूत चैलेंज, पता नहीं भूतिया चैलेंज है या कॉमेडी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कुछ, जो भी है। ओ गॉड, हाथ दर्द कर रहा है अभी। ब्लडी मैरी इफ यू आर हियर गिव मी अ सिग्नल, ब्लडी मैरी द स्कैरी
ब्लडी मैरी द हॉन्टेड ब्लडी मैरी इफ यू आर हियर देन गिव मी ए सिग्नल ब्लडी मैरी अगर आप इधर हो देन प्लीज़ मेरे को सिग्नल दो सो वैसे तो कुछ रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है लेकिन फिर भी हार नहीं मानेंगे जब तक मैरी के साथ मेरा मुलाकात नहीं हो जाता सो और कुछ ट्राई करके देखते हैं नया तरीका सो गाइस मेरे को पता नहीं क्यों लेकिन 40-40 से कम डर लग रहा है ज़्यादा क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सुबह बज मतलब सुबह 3 बज चुका है तो इसको हम सुबह ही बोल सकते हैं गांव में 3 बजे या 3:30 बजे लोग उठ जाते हैं बेसिकली इसीलिए मेरे को उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है जिस दिन उस दिन 12 बजे लग रहा था क्योंकि 12 बजे एकदम सन्नाटा होता है लेकिन 3 या 4 बजे तक लोग गाँव में उठ जाता है क्योंकि खेत खलिहान में जाना होता है सो पता नहीं ब्लडी मैरी आएगा कि नहीं मैं ऑलरेडी बोल बोल के थक चुका हूँ सो ब्लडी मैरी आर यू हियर ब्लडी मैरी आर यू हियर ब्लडी मैरी लिटरली मेरा फट गया था शायद कोई आ रहा है शायद कोई आ रहा है आई गेस कुछ है हामिदा हामिद दादा एक्चुअली वीडियो बना चल एक আরেকটা জিনিস আমার জানার ছিল হ্যাঁ বলছি আমি যদি কোনো দিন মানে আসি ধরেন দিনের বেলা এইসব জায়গাগুলো ভিডিও বানাতে পারবো তো আমি আপনাদের কিছু মানে যা টাকা পয়সা লাগে আমি দিয়ে দেবো জাস্ট না না হবে না অত রিক্স না দিনের বেলা দিনের বেলা দিনের বেলা দিনে হতে পারে রাতে হবে না রাতে মুশকিল আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি একদিন দিনের বেলা আসবো এসে না হয় একদিন মানে ঠিক আছে আপনার কি কোনো ফোন নাম্বার টাম্বার আছে আই গেস মেলে জলদি নিকালনা চাই এদার সে तो गाइस जो भी ये जो जगह है सच में हॉन्टेड है अगर आपको आना है मैं दिन में इसका एक एक्सप्लोर वीडियो बनाएंगे और वो दिन में बनाएंगे रात में थोड़ा रिस्की हो जा रहा है पता नहीं क्यों सच में ये है या ऐसे फैलाया गया है जस्ट रूमर है तो आई डोंट नो कि ये सच है या रूमर है जो भी है यार है तो लेकिन डरावना ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कुछ भी हो सकता है आपके साथ तो यार ब्लडी मैरी का जो भी था जो भी हुआ है पता नहीं वो सच है या झूठ है हालांकि बहुत लोग इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करते लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाँव में ये सब बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि इसके साथ ये हुआ उसके साथ ये हुआ ये सच में होता है तो आई डोंट नो आप लोग बिलीव करोगे या नहीं आई डोंट नो कोई बिलीव करेगा या नहीं लेकिन सच में नेगेटिव एनर्जी होता है आप मानो या ना मानो ये सच होता है अगर आप सच में भगवान ईश्वर अल्लाह इन सब चीज़ों में यकीन रखते हो तो ऑब्वियसली शैतान भी है ऑब्वियसली भूत भी है तो ये सच होता है एक्चुअली हालांकि सब कोई बेक नहीं ये सब जो चीज़ें हैं खेत खलिहान या फिर गाँव में ज़्यादातर होता है शहर में लोगों की वजह से ज़्यादा लोगों की वजह से होता नहीं है 3 बजे रात को इधर सुबह माना जाता है हम लोगों के गाँव में तो आप लोग को शायद डर लगता होगा क्योंकि आप लोग मानते हो कि 3 बजे रात है लेकिन गाँव में 3 या 4 बजे तक लोग उठ जाता है तो इसीलिए मेरे को उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था थोड़ा कॉन्फिडेंस था क्योंकि सुबह का टाइम मैटर नहीं करता तो इसीलिए थोड़ा डर कम लगा लेकिन हाँ जब वो हुआ था मोमबत्ती जब बुझ गया तो थोड़ा बहुत घबरा गए थे बाकी सब नॉर्मल था और थैंक गॉड कि वो लोग जो बंदा था वो बंदा आ गया थैंक गॉड कि वो बंदा आ गया उसके बाद एकदम चला गया जो भी है मिलते हैं फिर कभी किसी वीडियो में और हाँ इस जगह में सुबह को आएंगे या फिर कभी दिन में आएंगे आपको दिखाएंगे पूरा जगह एंड इसका जो अनोखा सच है वो भी आपको बताएंगे तो चलो मिलते हैं फिर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ यार अगर इसमें 20,000 लाइक हो गया तो इसी कोई हॉन्टेड जगह में जाएंगे दूसरा उधर भी एक कोई हॉन्टेड चैलेंज करेंगे तो 20,000 लाइक कर देना ताकि आपको वो चैलेंज दिखने को मिले तो चलो मिलते हैं बाद में।